थोड़ा आगे तक खींच के देखते हैं। ओह MotoGP कैसे चला था, यहाँ पे घुटना लग रहा है। थोड़ा आगे जाके टॉप स्पीड भी चेक करके देखता हूँ गियर वाइज। 60 तक जा रहा है 3 नंबर और 4 नंबर जा रहा है 70 तक और 5 नंबर का। जिन जिन भाई लोग देख रहे हो, भाई लोग आप लोग के लिए हिंदी में ब्लॉग बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दो यार। हेलो 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 एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स मी अर्जुन राय एंड वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज SK05 राइडर आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरे साथ। तो आज हम दोनों ही निकल रहे हैं थोड़ा एक स्पिन मारने के लिए, और थोड़ा गैरेज में भी काम है। मेरा ब्रेक व्हील, आगे का ब्रेक व्हील भी ख़त्म हो रखा है, और वो भी साइड डलवाऊंगा। और बाकी का एक्चुअल में सर्विसिंग का टाइम भी हो गया है, मैं सिलीगुड़ी जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो 6700, 2 साल में किसका बाइक 6700 ही चला हुआ है। 2 साल भी ज़्यादा हुआ है बाइक खरीदा हुआ, पर भी अभी तक 6726 ही चला हुआ है। मतलब ज़्यादा तब चलाने का समय ही टाइम ही नहीं मिलता है। ये लड़का लोग के साथ कभी कभी राइड में निकलने के लिए बाइक रखा हूँ एक्चुअल में, और घर जाने के लिए। बाकी दिन कोई काम ही नहीं बाइक का, इसीलिए थोड़ा अच्छा वाला बाइक रखना पड़ेगा जैसे लग रहा है। ये बाइक अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा मेरे पास, थोड़ा बहुत मतलब दूसरा काम में फंसा हुआ हूँ, और उससे निकल जाऊँ अगर तो इसको भी सेल करके और दूसरा वाला एक थोड़ा हैवी वाला बाइक लेना पड़ेगा जैसे लग रहा है, जैसे कि कभी कभी चलाने के लिए भी मस्त रहे। अभी KTM ज़्यादा ही हो गया ना, कमन भी हो गया सबके पास, और हम सोच रहे हैं कि थोड़ा अलग सा लूँ। रोमन भाई भी फोन कर रहे हैं हमको, तो स्पिन मारने, एक स्पिन मारने निस्किने कि ना निस्किने। धेरै टाढो त नजाने किनभने पानी पर्छ होला कि, टाइम पनि त निकै गइसक्यो। सो अलिकति हल्का पुल्का ल हौ त्यसो भए ल यहीँ हुन्छ, उपारा हुन्छौँ ल हामी उपारा ल ऊ पनि जाने अरे कि उपारा बसौँ न। सो हामी चाहिँ हेलिप्याडमा एकछिन आइपुग्यौँ, रोमन भाइ पनि भेटाइयो। अब एकछिन यहीँ बसौँ। सो गाइस आज हम दो और एक जना आ रहे, तो हमारे साथ जुड़ जाएगा कंट्रीसाइड राइडर, और देख सकते हैं ये OBD वर्जन जो E20 भी बोलते हैं। इसका मैंने पहले रिव्यू किया था, आप लोग हाँ चेक कर सकते हैं मेरा चैनल में जाके, और इसका बाद में जाके, अभी तो ज़्यादा चला भी नहीं होगा, बाद में जाके इसका माइलेज टेस्ट भी करेंगे, माइलेज टेस्ट भी करेंगे इसका कितना चला हुआ है देखते। 3961 चल चुका है ये भी, तो अभी रिव्यू कर सकते हैं, माइलेज टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका भी बाद में माइलेज टेस्ट और टॉप स्पीड भी चेक करेंगे, अभी नहीं, अभी तो देख सकते हैं बारिश होने का चांसेस ज़्यादा है, तो आज थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा। तो बाद में कमेंट करना आप लोग
आप लोग कमेंट करेंगे तब तो मैं जल्द लाने का कोशिश करूँगा। सो या थोड़ा वेट करते हैं हमारा कंट्रीसाइड राइडर का और मिलाते हैं, ठीक है? हमारा कंट्रीसाइड राइडर का एंट्री, ये चल दिया पानी पर्ला जस्तो भयो त, अब लाग्नु पर्छ, अब बनायो सकर सकर बीएस फोर्ब। ए तर काम लाग्ने रहेछ नि त, भएछ नि अनि बीएस फोरकै भए पनि जाउँ, पानी पर्ने रहेछ एक स्पिन मारौँ फर्क्यौँ, तिमीलाई पनि भित्र फेरि स्टुडेन्ट मान्छे बिमारी भयो भने जाउँ, लेट्स गो, निस्क्यौँ ल। तो अब एक स्पिन मारते थोडा, पहिले का हमारा ड्युक स्कट आज टोनी भाइ नै है, उसका आज छुट्टी नै है। तो चलो निकलते हैं आज का छोटा मीठा सा राइड पे, और बारिश होने का चांस है इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, थोड़ा आगे तक जाके फिर रिटर्न हो जाएंगे, और टाइम मिले तो गैरेज भी निकलना है हमको, मतलब गैरेज भी थोड़ा काम है, गैरेज में भी थोड़ा सर्विसिंग कराना था, पर पूरा तो नहीं कर पाऊँगा आज, खाली आगे का ब्रेक ऑयल ही डालवाने से भी मेरा काम बन जाता, पर आज का दिन अभी मतलब दिनों दिन रेनी सीजन लग रहा है ना, रेनी सीजन आ रहा है, तो अभी यही चक्कर होगा, बारिश। पहले वाला वीडियो में आप लोग ने देखा होगा तो उसमें भाई का पूरा सकर बैठ चुका था, तो अभी थोड़ा जाके भाई ने ठीक कराया। ये क्या है, ओ ये स्टार्ट तो हो गया, बारिश तो ना, क्या मस्त। बारिश चालू, हमारा SK05 राइडर भाई आज थोड़ा जोश में लग रहा है ना, आगे यहाँ का भी रास्ता पूरा बना नहीं है, पर भी बन तो रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा ये रोड भी मस्त हो जाएगा, अभी थोड़ा बहुत तो बन चुका है, यहाँ पे कितना खड्डा खड्डा था पहले। माथि को ग्यारेज में रॉन्ग साइड बड़ा कटना मारूं, कस्तो कालो भएर आयो माथि देखि। पानी पड्न थाल्यो, बारिश तो तेज हो तेज आ रहा है, ऊपर जितना ऊपर आए उतना बारिश तेज होते जा रहा है।
आप तो हर दिन ऐसे होने लग जाता है, सुबह में एकदम धूप सा सो यहाँ का गैरेज इसमें तो पहुँच गए हम लोग। अब दिखाते हैं यहाँ पे थोड़ा ऑयल डलवाते हैं। यहाँ पे पूरा सूखा सूखा से हो गया है तो डलवा लेते हैं। बाइक तैयार हो चुका है तो हम लोग अभी यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि बारिश होने का चांसेस बहुत, आज का ब्लॉग थोड़ा ऐसे ही हो रहे हैं। जूम सब हम लोग पहुंच चुके हैं गणेश तक, गणेश का मंदिर। और यहाँ लगाओ ना, अझै माथि गरिदिन्छु ल। तो तिनो बाइकका एक सिनेमेटिक हो जाए। और बारी बारी करके सबको टेस्ट राइड करके देखना पड़ेगा। है ना, व्यू चेक करे गाइस। यहाँ से पूरा टीवी टावर, ये पुराना टीवी टावर, अभी तो टीवी का जमाना ही नहीं है, नेशनल टेलीविजन गैंगटोक। सो जो आगे दिख रहा है ये है इंचे गुम्पा, इंचे मोनास्ट्री, चांदमारी का रास्ता हो गया। चलो अभी BS6 ये पहले वाला मॉडल 200 जो ड्यूक 200 का ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके रखा है भाई ने। थोड़ा
आगे तक खींच के देखते हैं। ये थोड़ा आवाज के कारण चलाने में मजा आ रहा है, नहीं तो ये बाइक और कोई नहीं चलाएगा। तो ये था BS6 पहले वाला जो मॉडल। MotoGP कैसे चला था? यहाँ पे घुटना लग रहा है, मतलब ये टैंकेट उठा हुआ सा है ना भाई ने टैंकेट वगैरह लगाया हुआ है तो यहाँ पे मतलब हम लोग को इसके ऐसे सटा के रखने का आदत हो गया ना तो ये सट ही नहीं रहा है। यहाँ पे बहुत लोग होता है ना क्योंकि मंदिर एरिया है तो यहाँ पे ये भाई का तो ब्रेक भी नहीं है वैसे डर लगता है हमको। गियर से कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो ये पहले वाला था, अब नया वाला E20 वाला ट्राई करके देखते हैं। ये तो पहले भी चला के देख लिया था, मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, मेरा चैनल में जाके चेक कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो भाई ने अभी 3900 कितना चला चुका है, आपको वो भी दिखा देता हूँ एक। पर इसका एक ही चीज़ हमको वो लगता है, हैंडल ही कितना छोड़ा है ना, हैंडल ही एकदम ऐसा चलाने का आदत हो गया ना तो ये अंदर की तरफ हो रहा है, हैंडल एकदम ऐसा बाहर भैया शायद। तो चले थोड़ा ये वाला स्मूथ है, साउंड में भी सब कुछ में स्मूथ है पहले वाला से, मतलब अभी ब्रेकिंग भी स्मूथ है जो E20 20% इथेनल और पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल वाला। एक बार ये भी चला के देख लेते, इसमें मिरर व्यू भी अच्छा सा है, मतलब बड़ा भाई ने सब कुछ स्टॉक का ही रखा है तो इसलिए थोड़ा बहुत पीछे का व्यू भी देख सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे खींच के देखते हैं इसको भी, अभी फोर्थ गियर में है तो फोर्थ गियर का मैं इसका थोड़ा आगे जाके टॉप स्पीड भी चेक करके देखता हूँ गियर वाइज जो इधर आते वक्त चेक करेंगे। थोड़ा रोड को खाली होने देते, अभी है एक नंबर पे, सो बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा यहाँ पे। हाँ थोड़ा मीटर कंसोल ही दिखाऊंगा अभी, क्या है कि ये रास्ता तो हर दिन दिखाते रहता हूँ तो इसलिए अभी मीटर कंसोल दिखाऊंगा। हाँ लो अभी एक नंबर में है ना, सो अभी एक नंबर में कितना तक स्पीड खींचता है वो ट्राई करता हूँ एक बार। मतलब दो नंबर 48, तीन नंबर कितना तक जाता है देखता हूँ। यहाँ पे ना कर्व ज्यादा है ना इसलिए हमें अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं। अभी तीन नंबर में ही है, मैं थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल करके खींच रहा हूँ। 60 तक जा रहा है तीन नंबर और चार नंबर जा रहा है
70 तक, और 5 नंबर का जगह ही नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कि अब रोड ही ख़त्म हो जाता है ना, तो 5 नंबर का जगह ही नहीं है। अभी 4 नंबर में ही हूँ, अभी थोड़ा आगे जाके मैं यहाँ से 5 नंबर में खींच के देखता हूँ। नहीं, जगह ही नहीं है। अब कर्व आ गया, मैं यहाँ पे 5 नंबर में तो नहीं मुड़ पाऊंगा, फिर कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। तो 4 नंबर तक का तो आप लोग ने देख ही लिए, 70 तक जाता है 4 नंबर तक मतलब। और इसका मतलब वो दिखा जाए तो वो भी अच्छा है, 나이스। अगर लंबा सा रास्ता हो तो आप लोग को दिखा पाऊंगा, पर अभी कर्व कर्व है ना, ज़्यादा कर्व है, फिर टर्निंग है। यहाँ पे ऐसा वाला गाड़ी मतलब 2 लेन ही है ना, इसलिए बड़ा बड़ा गाड़ी बहुत चलते रहता है यहाँ पे, तो वो नहीं दिखा पाया। वो कभी खुला रास्ता में जहाँ पे कर्व ना हो है ना, वहाँ पे दिखाऊंगा। अभी भी 5 नंबर में ही हूँ, पर टॉप स्पीड तक नहीं जा पाऊंगा, क्या है कि यहीं पे देखे बैंड आ गया और रास्ता भी थोड़ा ऐसा उबड़ खाबड़ है ना। यहाँ पे मौसम भी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, जैसे कि अभी ओला गिरने वाला था, ओला गिरेगा जैसा मौसम हुआ था, फिर अभी खुल रहा है वहाँ से, मतलब थोड़ा धूप निकल के आ रहा है, अजीब अजीब हो रहा है। बहुत बहुत स्मूथ है ये, बहुत रिफाइंड किया है इसका इंजन, लेकिन कुछ ना कुछ तो करके ही देते हैं ना कंपनी, ऐसे ही तो OBD ये सब डाल के नहीं देते। सो आप लोग ने देख ही लिए होंगे, सिनेमैटिक भी इंजॉय किए होंगे है ना। सो डिफरेंस बिटवीन पहले वाला और अभी वाला, जो अभी वाला तो नहीं बोल सकता हूँ, वो 200 ये E20 वर्जन वाला, और वो पहले BS6 वाला ट्राई करके दिखा दिया हूँ आपको। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, क्या है कि बारिश होने का डर हो रखा है अभी, तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं। एक भाई निकल गया, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी, क्या है कि अभी बारिश होने का चांसेस हो गया, पूरा धुंधला सा काला काला होके आ रखा है उधर से। तो अभी चलो चलते हैं हम लोग अभी घर की ओर, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा शायद। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और आपका आप लोगों के लिए मतलब हिंदी में ब्लॉग कर रहा हूँ, जितना भी मतलब अभी लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, लड़का लोग जो देख रहे हैं, जो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा शायद मेरा, मैं ज़्यादातर नेपाली में ब्लॉग करता हूँ, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने ये सोचा कि अभी हिंदी में भी थोड़ा बहुत ब्लॉग बना देता हूँ। तो अभी
मैं हिंदी में कर रहा हूँ आज का ब्लॉग, टोटली स्टार्टिंग से लेके मैं हिंदी में कर रहा हूँ। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जिन जिन भाई लोग देख रहे हो, भाई लोग आप लोग के लिए हिंदी में ब्लॉग बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दो यार। अभी 51% है भाई, 51% लोग देख रहे हैं, मतलब सब्सक्राइब किया हुआ ही नहीं है। और बाकी का जो सब्सक्राइबर है 49% समथिंग ही सब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं, तो 51% समथिंग बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरा व्यूज जा रहा है। अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसीलिए मैं थोड़ा बहुत अब हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ, उतना अच्छा तो नहीं है हिंदी, तो अब क्या है ना, अभी आदत सा नहीं है ऐसे हिंदी में कुछ भी बोले जाऊँ। जो नेपाली जैसा जितना भी मतलब कंफर्टेबल होता है नेपाली में बोलने, ब्लॉगिंग करने, मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। पर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में भी बनाऊँ, है ना, आने वाला ब्लॉग भी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना, कैसा लगा वीडियो। और धीरे धीरे मतलब आदत करते जाऊंगा आप लोग को हिंदी में ब्लॉग देने के लिए। सो आज का ब्लॉग भाई लोग के साथ था, मज़ा आया हमको, मतलब मैंने तो बहुत इन्जॉय किया आज का ब्लॉग। क्या है कि दोनों बाइक ट्राई भी किया, और अपना तो है ही, और दोनों 200 का सेगमेंट में है। ये पुराना वाला जो आगे चल रहा है वो EVD जो E20 वाला, उसका तो रिव्यू भी किया हूँ। आज टॉप स्पीड का ट्राई किया हूँ तो उतना खास नहीं बना, क्या है कि अभी यहाँ का रास्ता उतना इजी वाला रास्ता नहीं है ना, मतलब रोड उतना हाई स्पीड टेस्ट करने वाला, ड्रैग करने वाला रोड नहीं है। पब्लिक रोड में मतलब थोड़ा बहुत गाड़ी वाड़ी देख के ट्राई किया हूँ, तो कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और दबा के शेयर कर दीजिएगा, क्या है कि अभी आप लोग को शेयर सब्सक्राइब एक कमेंट से बहुत मोटिवेट करता है हम लोगों को। जैसे जितना भी नया नया अभी ब्लॉगर्स आ रहे हैं, मोटो ब्लॉगर्स हो गया, नॉर्मल डेली लाइफ ब्लॉगर्स हो गया, जितना भी आ रहा है, बहुत मोटिवेट होता है आप लोग का एक कमेंट और एक लाइक से। तो लाइक शेयर कमेंट किए वगैरह बिल्कुल भी मत जाना भाई लोग। Till then, tata, bye bye. See you in the next vlog. Next time, bhetu. Eta ghar janchu ki tei bhara yaha chhodnu aayeko. La. Ma pani direct janchu. Pani parcha hola ki. Ma bhai pani bypass ghumera jane bhandaicha ho. Ani la, aba dekhi Sunday bhetnu. Sunday janu parcha hola morning. La, la. La. मैं तो हेलमेट पहन के रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ।